Hello friends, a very warm welcome to everyone in today's session. In this session we discuss gist of schemes. बोल सकते हैं कि जितनी भी schemes हैं हमारी जो योजनाएं चलाई जा रही है हमारे देश में उन सभी योजनाओं के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं session में. जैसे कि हम current affairs के session कर रहे थे तो उसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं रूपश्री स्कीम आ रही थी, बहुत सारी स्कीम्स आ रही थी. सो आई थॉट कि क्यों ना हम सारी स्कीम्स को एक साथ रीड कर ले. ऐसे करते करते हमारा जो करंट अफेयर्स वाला सेशन भी कंप्लीट होता जाएगा और साथ में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लगते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, लाइक स्कीम्स हो गई, समिट्स हो गए, वो सारी चीज़ें भी हम साथ के साथ करते जाएंगे. तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेशन, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि कितनी स्कीम्स होती है, मतलब होती तो बहुत सारी है बट जो इम्पॉर्टेंट है पहले हम उन सभी चीज़ों को देख लेंगे कि इनकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, ये किसके लिए लाई गई है. देन जो शॉर्ट शॉर्ट में बचती है कि जिनका हमें फुल फॉर्म भी पता होगा तो हम आसानी से उनको समझ सकते हैं कि फुल फॉर्म से ही हमें बहुत सारी स्कीम समझ आती है, तो इन शॉर्ट हम उनको भी देख लेंगे. फिलहाल हमारा कॉन्सेंट्रेट होगा आज के सेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो इंडिया में चली आ रही है उनके बारे में देखेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे अमृत स्कीम, अमृत योजना. सेकंड प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय सागरमाला प्रोजेक्ट, उदय योजना, स्टार्टअप इंडिया, श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन, सेतु भारतम योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, दिशा पोर्टल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंड नमामि गंगे योजना, एंड मेक इन इंडिया योजना, दीनदयाल उपाध्याय मिशन इंद्रधनुष, पहल योजना, हृदय योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्टैंड अप इंडिया एंड ग्राम उदय से भारत उदय तक. ये मेनली जो स्कीम है जो करंट में चली आ रही है इन सभी का हमें थोड़ा डिटेल में देखना होगा. और मैंने इस वीडियो को इसी तरीके से फोकस करके बनाया हुआ है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स जो होती है आपके सभी एग्जाम्स ले लीजिए, लाइक एमपीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, सभी में योजना के बारे में पूछा ही जाता है क्योंकि सरकार जो है हमारा जो बजट है वो इन पर भी डिपेंड करता है कि किस स्कीम को कितना बजट में पैसा दिया गया है. इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ना जरूरी हो जाती है. करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, स्ट्रेटेजिक जीके का पार्ट भी है और जो आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं उसका भी पार्ट है. ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे से ध्यान देकर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा. चलिए तो अभी फर्स्ट स्कीम की ओर मूव करते हैं. फर्स्ट है हमारी अमृत योजना. ठीक है, सबसे पहले अपन इसका फोटो देख लेते हैं तो आपको फोटो से अच्छे से याद हो जाएगा. वैसे इसको अमृत बोला जाता है. ठीक है, ये अमृत लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म में लिखा हुआ है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैं इसको अमृत क्यों लिख रही हूँ क्योंकि जब भी आप स्पेलिंग बोलेंगे कि अमृत तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक होगी, AMRUT. अगर आप अमृत बोलते तो मे भी आप यू ना बोलें, उस यू को स्कीप कर दें, इसलिए अपन इसको अमृत नाम से याद रखेंगे ताकि आप जो अर्बन जो है उसको ना भूलें. ठीक है, तो इसका अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी. अब इसका थोड़ा डिटेल भी हम देखेंगे कि कब स्टार्ट हुई थी. अमृत योजना जो है 24 जून 2015 को शुरू की गई थी. याद रखना है आपको 24 जून 2015 को शुरू की गई थी. इसका पूर्ण रूप हमने देख लिया है, ए फॉर अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो इसका एक उद्देश्य देख लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है. अमृत का योजना का उद्देश्य गरीब व वंचित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता का सुधार करना है. मतलब जो गरीब और वंचित लोग रह गए, मतलब रिजर्वेशन का मतलब भी यही होता है कि कोई भी पुरानी चीज़ चली आ रही है उसको फिर से नया कर देना, फिर से उसका जीर्णोद्धार कर देना, इस तरीके से फिर से रिनोवेट कर देना. ओके, तो ये रिजर्वेशन का मीन्स भी हो गया आपका. और गरीब वंचित लोग जो जिनकी कोई बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और पार्क आदि, जैसे कि नॉर्मल जो चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा जल आपूर्ति करना, सप्लाई करना हमारी कॉलोनी में, इस तरीके से परिवहन सुधारना, पार्क वगैरह बिल्ड करवाना, इस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर आती है. योजना में 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना तथा 2022 तक शहरी इलाकों में घर बनाने की योजना है. ये टारगेट है इस योजना का, ये भी आपको याद रखना होगा कि योजना में 100 स्मार्ट सिटी बनानी है, मतलब 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 500 शहरों में आधारभूत सुविधा, आधारभूत मतलब हमारी जो बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, जो भी है, 5 बेसिक नीड्स होती है, उन सारी नीड्स को कंप्लीट करना और 2022 तक. ठीक है, 2022 तक शहरी इलाकों में घर बनाने की योजना है. तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि अमृत योजना का लक्ष्य कब तक का है, किस साल तक का है, तो 2022 तक का है. ओके, तो ये आपको 2022 भी याद रखना होगा. सरकार द्वारा
5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना को कंप्लीट करने के लिए सरकार ने कितना बजट दिया है, कितने पैसे दिए हैं, तो 5,000 करोड़ रुपए। ओके, चलिए तो इसमें क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, और ये इसका फोटो है, तो इसमें वापस से मैं एक बार और आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। 24 जून 2015, ओके, देन अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। देन इसका उद्देश्य गरीब वंचित लोग जो हैं उनको जीवन की अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट करवाना, और जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क आदि, सो स्मार्ट सिटी बनाना है, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं लानी है, और 2022 तक शहरी इलाकों को शहरी इलाके जो है उनमें घर बनाने की योजनाएं हैं, और सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सेकेंड है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसे हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सबके लिए आवास के नाम से भी जाना जाता है। इसका कोई नहीं, अगर आप नॉर्मल सा सिंबल देखें तो एक घर का सिंबल ही था, इसलिए मैंने उसको इसमें ऐड नहीं किया है। नॉर्मल एक घर बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना और सबके लिए आवास, नीचे ये लिखा हुआ है। ओके, हाउसिंग फॉर ऑल भी बोला जाता है यानी कि सबके लिए आवास, और इसका लक्ष्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। आवास मतलब रहने के लिए मतलब कि कुछ घर वगैरह ही होगा, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, और इसका लक्ष्य कितना है, 2022 तक का है। और इसकी वो नारा या जो टैगलाइन लिखी हुई रहती है, थीम रहती है, वो है हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए आवास, और 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। डिजिटल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध करवाना है। सभी को पता है नॉर्मल डिजिटल इंडिया मतलब कि हम बोलते हैं कि इंडिया को डिजिटल करना है, मींस डिजिटल कैसे करना है, सारी चीज़ें हैं वो डिजिटल ही हो, पेमेंट डिजिटल ही हो, कोई भी काम हो रहा है जो पेपर वर्क पर हो रहा है वो सारी चीज़ें अब क्या हो जानी चाहिए, डिजिटल हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर आपको एक चीज़ नहीं पता हो तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके आपका फ्रीज रहता है, ठीक है, घर में जिसमें सारी हमारी जो चीज़ें चाहिए होती है, फ्रूट्स, मिल्क वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं हम फ्रीज में रखते हैं, तो एक स्कीम चल रही है, मतलब स्कीम नहीं, एक टेक्निक है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आई थिंक मैंने आपको करंट अफेयर्स के जो वन लाइनर वाला था, मैंने उसमें आपको बताया भी था IoT क्या होता है। IoT में अगर आपके फ्रीज में कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई, लाइक मिल्क की जो आपकी बॉटल रहती है वो ख़त्म हो गई है, एग्स वगैरह कुछ भी फ्रूट्स वगैरह रखे हैं तो वो ख़त्म हो गए, तो अगर आपने फ्रिज के अंदर IoT को फिक्स कर रखा है, तो IoT वाले का कनेक्शन आपने सीधे आपकी जो नियरेस्ट शॉप होती है वहाँ से कर रखा है इंटरनेट के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो डेली बेसिक नीड होती है वो ऑटोमेटिकली शॉप वाले को समझ आ जाएगी आपके फ्रिज में ये चीज़ ख़त्म हो गई है, वो आपको ला के घर पर डिलीवर कर देगा, या वो अपनी शॉप से वहाँ पर आपके घर पर डिलीवर कर देगा। तो ये एक IoT का बेनिफिशियल पॉइंट है कि पर्सन अगर अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि उसे ये भी नहीं पता होता है कि उसके घर पर क्या क्या चीज़ है, तो वो IoT का यूज़ करके ऑटोमेटिकली उसके घर पर सारी चीज़ें आ जाती है। ओके, इसको बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ सारी चीज़ें इंटरनेट पर बेस्ड होती है। तो डिजिटल इंडिया मिशन का पर्पस भी वही है कि सभी काम क्या हो, डिजिटली हो। ओके, ठीक है, अब देखते हैं स्किल इंडिया मिशन क्या है। इसकी भी शुरुआत 1 जुलाई 2015 में की गई थी। इसकी योजना 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर है। ओके, क्या क्या चीज़ें याद रखनी, 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मतलब कि जो देश के युवा लोग होते हैं, जो जनरेशन होती है युवा, उसका पूरी तरीके से विकास करना, मतलब कौशल विकास करना, उनको जॉब दिलानी, उनकी जो भी स्किल्स है वो डेवलप करनी, उनको तरीके के ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करने, ये सारी चीज़ें। और ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, ठीक है। और हमने एक दिखा था वॉश मिशन, ठीक है, जब हमने करंट अफेयर्स को डिटेल में दिखा था तब भी हमने दिखा था एक वॉश मिशन भी है। उस वॉश मिशन में क्या था कि उसके भी ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ही थे। ओके, अब देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य किसी भी तरीके से किसानों को पानी उपलब्ध करवाना है। जैसे कि आपने देखा होगा किसान लोग जो होते हैं उनको अपने खेतों तक पानी पहुँचाने में बहुत दिक्कत होती है, तो कृषि सिंचाई योजना के थ्रू उनको जो भी पाइपलाइन वगैरह जो भी चाहिए होती है, फुहारे वगैरह जो भी चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएगी सरकार के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को क्या करना है, कैसे भी करके किसानों की आय जो हो रही है, इनकम जो हो रही है, उसको डबल करना है। ओके, तो तीन चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। 1 जुलाई 2015, कृषि सिंचाई है तो आप समझ जाएंगे आसानी से कि कृषक लोग जो होते हैं, फार्मर्स लोग जो होते हैं, उनकी सिंचाई से रिलेटेड है, और इसका उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत 16 जुलाई 2015 को की गई थी।
ठीक है। और इसका उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी मुहैया कराना है, ठीक है। इसमें आपको बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, कौशल विकास मतलब कि कौशल किसका विकास करेंगे, युवाओं का करेंगे, और युवाओं को प्रशिक्षित करना मतलब उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके उनको डायरेक्टली साथ के साथ नौकरी प्रोवाइड कर दें। इसमें ऐसा होता है कि आपको ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग के साथ आपको जॉब का सर्टिफिकेट भी मिलता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ आपको जॉब भी मिल जाती है, ओके। नेक्स्ट है माना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना क्योंकि दीनदयाल जो है ऐसी एक और स्कीम भी है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका लक्ष्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारना है। देखो क्या होता है कि गांवों में बिजली नहीं होती है, ठीक है। वहाँ जैसे कि ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर बिजली पहुँचाना बहुत कठिन हो जाता है, तो इसका लक्ष्य वही है कि कैसे भी करके गांवों तक बिजली पहुँचाना, और जो बिजली कंपनीज हैं जो आपको बिजली प्रोवाइड करती है वो वित्तीय घाटे में चल रही होती है। अब हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट योजना, तो देखो सागरमाला प्रोजेक्ट योजना क्या बोलती है, इसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई थी। इसमें 12 बंदरगाहों को विश्व स्तरीय करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि जो बंदरगाह होते हैं हमारे उनको विश्व स्तर पर यूज़ कर पाए हम लोग, इसके लिए एक सागरमाला प्रोजेक्ट योजना शुरू की गई, और इसका लक्ष्य क्या है 7,000 करोड़ रुपए का, ओके। इसमें डेट हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, तो एक बार और आप क्या करना, जैसे हमारा सेशन ओवर होता है और इसकी पीडीएफ आपको थोड़े टाइम बाद मिल जाएगी, तो आप उस पीडीएफ को एक दो बार और अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको डेट भी अच्छे से याद हो जाएगी, ओके। अभी देखते हैं उदय योजना, इसकी शुरुआत नवंबर 2015 में की गई थी, ठीक है। हम याद कर लेंगे नवंबर 2015 में उदय योजना आई थी। उदय का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, जैसे हमने अमृत का दिखा था ऐसे उदय का भी होता है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय सुधार व घाटों से उधार उभारना है, ठीक है। वही जैसे हमने पुरानी स्कीम में पढ़ा था कि गांव-गांव में बिजली तो पहुंचानी है, और बिजली के साथ साथ जो वित्तीय घाटे होते हैं उनसे भी लोगों को, जो कंपनी होती है उसको सुधारना है। इस योजना से लाभान्वित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य है झारखंड। ये आपको याद रखना होगा कि प्रथम लाभ उठाने वाला राज्य कौन सा था, झारखंड था। फिर बात की जाए स्टार्टअप योजना की, इस योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी, और इसके उद्देश्य मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, नए कारोबारियों को बढ़ावा देना, कारोबार शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना है, ठीक है। याद रखना है स्टार्टअप इंडिया मतलब कि स्टार्ट करना, कुछ नई चीज़ स्टार्ट करना, तो नया जो बिजनेसमैन होते हैं मतलब जो लोग होते हैं अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टअप इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करके। जैसे आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले की बात है, महिलाओं को वो जो छोटा टेम्पो होता है वो भी प्रोवाइड किया गया था, जैसे कि महिलाएं अगर गांव से अपना माल जो है जो भी सामान वगैरह वो बनाती है हाथों से मेहनत करके, कुटीर उद्योग वाला अगर वो चाहती है कि वो शहरी बाजारों में जाए वहाँ पर सेल हो, तो उसके लिए उनको छोटा टेम्पो जो होता है बिना किसी ब्याज दर पर बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। वही स्टार्टअप इंडिया का ही पार्ट हो गया कि कोई भी बिजनेसमैन हो गया उसको जो भी उसको सुविधा लगती है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो कर सकता है। फिर आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूर्बन मिशन, ठीक है, SPMRM, ठीक है। इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2016 को ही थी। ये RUB रूबन क्या है, तो ये है RU और अर्बन, ठीक है, मतलब रूलर से RU से क्या हो जाएगा, रूलर मतलब कि ग्रामीण एरिया, और अर्बन मतलब शहरी एरिया, जो शहरी इलाके होते हैं मतलब दोनों का मिक्स करके रूबन बना दिया गया, रूलर प्लस अर्बन एरिया, ओके। 22 फरवरी 2016 को उसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य 3 वर्ष में 2016 से देख लो 2019 तक क्या करना है, पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण करना है, ओके। देखो आप इसको अच्छे से एक बार डायग्राम देख लो फिर मैं आपको बताती हूँ। रूबन मिशन मतलब रूलर, ये वाला रूलर हो गया, और अर्बन मिशन, ठीक है, मतलब रूलर एरिया और अर्बन एरिया हो गया, सभी को इसको फोकस करके चलना है। पहले हाउस होल्ड लेवल पर, जो घर के लेवल पर घर में क्या क्या कनेक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ LPG लिखा हुआ है, और जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें हाउस होल्ड जो घर की बेसिक नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देख लो, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ऐसी बहुत सारी, ये शौचालय वाला हो गया,
ठीक है, जैसे ये वाटर सप्लाई वाला सिस्टम हो गया, पाइप्ड वाटर सप्लाई, पहले हाउस होल्ड लेवल पर जाना है, फिर उसको विलेज लेवल पर जो गांव की सुविधा है, जैसे गांव में सड़क बनाना, ये सारी सुविधा है, फिर क्लस्टर मतलब कि समूह पे और क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, जैसे डिजिटल लिटरेसी, जितने भी मिशन पड़े तो उन सभी का सार क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। पहले हाउस होल्ड लेवल पर जाएंगे, फिर विलेज लेवल पर जाएंगे, फिर क्लस्टर मतलब कि सभी का समूह जो होता है, जिसे सभी को एक साथ प्रोवाइड की जाए, वो चीज़ें। ठीक है, 22 फरवरी 2016 आपको याद रखना है, 3 वर्ष में सारी जो भी योजना है, 300 ग्रामीण क्लस्टरों का इस तरीके से हमको निर्माण करना है। ओके, अब है हमारी सेतु भारतम योजना। अब ये योजना क्या बोलती है कि ये 4 मार्च 2016 को आई थी, ठीक है, हम याद कर लेंगे 4 मार्च 2016 और 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। जैसे कि हमने देखा है ना, बार बार हम कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो फाटक लग जाती है, तो हमारे 10 से 15 मिनट इस तरीके से वेस्ट हो जाते हैं, तो उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए, हमारे टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए सेतु भारतम योजना लाई गई। कन्फ्यूज मत होना, सागरमाला योजना हम पढ़ चुके हैं, और सागरमाला योजना क्या बोलती है, जो बंदरगाह है उसको विश्व स्तर पर कनेक्ट करना, जैसे कि हमारे विशाखापट्टनम बंदरगाह हो गया, इस तरीके के क्या होते हैं वो अपने इधर इधर ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो विश्व स्तर पर वहाँ से माल का ट्रांसपोर्ट हो सके इसके लिए सागरमाला लाई गई है और सेतु भारतम लाई गई है, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना, जैसे ओवरब्रिज बना दो, अंडरब्रिज बना दो, कैसे भी करके मतलब ह्यूमन जो है, इंसान के टाइम का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके उसका यूटिलाइजेशन हो टाइम का, इसलिए ओके। उसके बाद आता है इस योजना के लिए 1500 ब्रिज बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक बजट रखा गया, 1500 ब्रिज बनेंगे और अभी फिलहाल कितना बजट रखा गया है, 50,000 करोड़ रुपए का। ओके, सेतु भारतम योजना हो गई और इस तरीके से उसका इनोग्रेशन हुआ था, देख सकते हैं आप, सेतु भारतम लिखा हुआ है और जो जो भी थे, श्री नितिन गडकरी जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं और श्री पी राधाकृष्णन भी थे उसमें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ओके, ठीक है, और अभी अपन अगली स्कीम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था, ठीक है, और इस योजना का स्टार्टिंग बजट 8,000 करोड़ रुपये का रखा गया था। ठीक है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जो बीपीएल परिवार है उनको एलपीजी कनेक्शन देना था, ठीक है, और ये डायग्राम आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, महिलाओं को मिला सम्मान और इस तरीके की उज्ज्वला योजना का लोगो है। ओके, और इसी योजना के लिए जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनको एक अवार्ड भी मिला था, क्योंकि ये ऐसी योजना थी, चलो अभी एक और गैस कनेक्शन वाली योजना आएगी, मैं उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगी। ओके, उसके बारे में थोड़ी डिटेल और आपको पता होनी चाहिए, वो मैं अभी डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहले हम देख लेते हैं दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल क्या है, इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन व विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा की गई थी, एचआरडी मंत्रालय, उसको इंग्लिश में बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके द्वारा की गई थी। यह पोर्टल diksha.government.in शिक्षक को ट्रेनिंग देने व सशक्त बनाने में सहायक है, मतलब शिक्षक को ट्रेनिंग देने के लिए दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। जैसे कि दीक्षा से आप ऐसे याद रखिए कि दीक्षा किसको दी जाती है, पुराने ज़माने में जो राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे वो दीक्षा लेने के लिए कहाँ जाते थे, अपने गुरुजी के पास, तो वहाँ पर दीक्षा बोला जाता था, ठीक है, शिक्षा नहीं दीक्षा बोला जाता था, तो उससे आप याद रख सकते हैं, और उसी के बेसिस पर इस पोर्टल का नाम दीक्षा पोर्टल रखा गया है। तो आपको डेट याद रखनी है 5 सितंबर 2017, एचआरडी मंत्रालय, diksha.government.in और शिक्षक को ट्रेनिंग देने व सशक्त बनाने में सहायक है। ओके, चलिए, और दीक्षा का आप लोगो भी देख सकते हैं, ये दीक्षा का लोगो है टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए। अब देख लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की स्टार्टिंग हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाने, सशक्त करने, सशक्त बनाने और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना है। ओके, इस योजना का मुख्य लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात से ऊपर उठाना है। यह योजना 100 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू की गई थी। माधुरी दीक्षित को भारत सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। याद रखिएगा, माधुरी दीक्षित जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। प्लस वन मोर थिंग इज दैट कि अभी अभी साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है, और पर्टिकुलर हरियाणा सरकार के द्वारा किसको बनाया गया है, साक्षी मलिक को बनाया गया है। ओके, ठीक है, ये आपको याद रखनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में चीज़ें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके, मुद्रा जो आपके मनी से रिलेटेड होगी, मुद्रा मतलब पैसा होता है,
प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। मुद्रा का फुल फॉर्म याद रखना है हमें, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इस तरीके से आप पहले इसका फोटो देख लीजिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इस तरीके से मुद्रा को लिखा जाता है MUD, और जो रुपए वाला साइन होता है उसको R के फॉर्म में, और आ और ऊपर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और जरूरतमंदों के लिए वित्तीय सहायता। और इसमें थोड़ा सा डिटेल भी है, तो आप PDF में इसको पूरा रीड कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है उसकी। चलिए तो अभी इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ भी देख लेते हैं। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इस योजना को देश सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना व ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन तथा तरुण लोगों, मतलब 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। एक बच्चों के लिए अलग लोन दिया जाएगा, जिसमें बच्चों को और किशोर जो होते हैं 12 साल से ऊपर वाले उनके लिए, और जो तरुण होते हैं युवा अवस्था वाले जो होते हैं उनके लिए अलग लोन। शिशु के लिए आपको 50,000 तक का लोन मिल सकता है। किशोर के तहत जो 12 से ऊपर वाली एज होती है 17-18 तक की 5 लाख तक का मिलेगा, और तरुण के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन इसमें देने का प्रावधान रखा गया है। मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी भी तरीके का प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि लोन देने में बैंक वगैरह चार्जेस पे करती हैं जो भी लोन लेता है उससे, तो इसमें कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा। इसलिए सरकार की साइड से एक स्कीम चलाई जा रही है, और किसी भी बैंक में जाकर आप मुद्रा लोन के थ्रू लोन ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नमामि गंगे योजना। एक बार आप नमामि गंगे योजना को देख लीजिए, किस तरीके का इसका लोगो आता है नमामि गंगे का, इसके बाद अपन देखते हैं। इसमें स्वच्छ भारत वाला जो गांधी जी का चश्मा होता है वैसा भी रहता है, और एक कदम स्वच्छता की ओर इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ आपको। नमामि गंगे योजना की शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण व शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को की गई थी। याद रखिएगा 10 जुलाई 2014 से चला आ रहा है। इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री जो है उमा भारती, उनके द्वारा की जाती है। इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए 2,037 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ओके, ये चारों चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। 10 जुलाई 2014 देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य, और 237 करोड़ रुपये का आवंटन। ओके, मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना व अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों को रोजगार सृजन व कौशल वृद्धि पर ध्यान देना है। इसका लक्ष्य चालू वर्ष 2020 तक GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% तक करना है। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, 25 सितंबर 2014 को, और बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपनियों को जो भारत के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, और साथ में 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन व कौशल वृद्धि पर ध्यान देना है, और 2020 तक जो GDP है हमारा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है उसको, उसके विनिर्माण के क्षेत्र में 16% जो भी भागीदारी चल रही है इनकी उसको बढ़ाकर 25% तक ले जाना है। ओके, अब देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण। ये एक बार इसका लोगो देख लीजिए, मेक इन इंडिया का। ओके, कभी आप KBC में गए और फिर KBC में आपको ये शेर दे दिया गया और बताया, फिर पूछा गया, क्योंकि KBC में कौन बनेगा करोड़पति में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखा होगा ना आपने कोई भी किसी जैसे किसी फिल्म की मूवी का दे दिया, फिर कोई भी लोगो दे दिया और फिर पूछा जाता है कि अच्छा बताओ ये लोगो क्या है। जैसे प्रीवियस मैंने देखा था कि पोस्ट ऑफिस का जो लोगो होता है 3 राइट वाला, ठीक है, 3 राइट वाला लोगो जो था वो दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये किसका लोगो है, तो जो लेडी थी उसने बता दिया था कि पोस्ट ऑफिस का है, तो वो अच्छे से विनर भी हो गई। आई थिंक उसने 50 लाख रुपए जीत के गई थी वो लेडी। चलो वो तो नहीं, फिलहाल अभी हमारे एग्जाम पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आपको याद होना चाहिए ये लोगो किसका है। नेक्स्ट हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। डेट हमको याद रखनी है 25 सितंबर 2014। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98वें जन्म तिथि पर शुरू की गई थी। ठीक है, इसका लक्ष्य कौशल व उत्पादक क्षमता को विकसित करना है। इसमें 1500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया है। ठीक है, क्या देखना है आपको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है उनके 98वें जन्म तिथि पर शुरू की गई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, और इसमें 1500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया है। इसका मैं आपको लोगो भी बता देती हूँ।
ये देखिए इसका लोगो ये वाला है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, DDUGKY, ओके, एम्पावरिंग इंडिया पावरिंग द वर्ल्ड, ओके, याद रखना है आपको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हमने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना पढ़ा था, ठीक है। ग्राम ज्योति में क्या था कि बिजली की आपूर्ति करना है गांवों में, और जो बिजली कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही है, जिनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वित्तीय घाटा हुआ है, उस घाटे को ओवरकम करके उनको वापस से पुनर्स्थापित करना। और अभी हमने पढ़ा ग्रामीण कौशल योजना, जहाँ पे ग्राम के जो पूरा तरीके से विकास करना। और एक और हमने पढ़ी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, जिसमें कि पहले हाउस होल्ड लेवल पर, फिर विलेज लेवल पर, और फिर क्लस्टर लेवल पर पूरे गांव का सब तरीके से विकास करना है, ठीक है। तीनों योजनाएं थोड़ी सिमिलर है, हालांकि हमको कंफ्यूज नहीं होना है। स्वच्छ भारत मिशन क्या बोलता है कि इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। क्वेश्चन बन गया कि स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का नारा क्या है, तो एक कदम स्वच्छता की ओर। इसे शहरी विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा संचालित किया जाता है। और चलिए ये एक स्कीम है, अगली स्कीम है संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। संसद आदर्श ग्राम योजना क्या बोलती है, इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। कब की गई थी, 11 अक्टूबर 2014 को। इसका लक्ष्य गांव के सामाजिक सांस्कृतिक व बुनियादी ढांचे के विकास को आदर्श गांवों में नामित किया जाएगा। और इसका लक्ष्य 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। मतलब कि क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ होती हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो गांव को गोद ले लेती है। मतलब कि एक गांव वो अपने हिसाब से उठा लेते हैं, ठीक है, जो उनको बता दिया जाता है वो ले लेते हैं, और उसका पूरी तरीके से विकास करना कि उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो, डिजिटल इंडिया हो उसमें, और जितनी भी चीज़ें जो लग रही है, जो जो भी स्कीम होना चाहिए, हाउस होल्ड स्कीम हो गई, गाँव नए नए घर बनाने की स्कीम हो गई, शौचालय बनाने की स्कीम हो गई, सारी कंप्लीट करके प्रॉपर गाँव बनाकर देना है उनको, ठीक है। तो यही सांसद आदर्श ग्राम योजना है, ओके। कब स्टार्ट हुई थी, तो 11 अक्टूबर 2014 से चल रही है, और 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर उनका विकास करना है, और 2019 तक एटलीस्ट 3 गांव, और 2024 तक 8 गांवों का विकास करना है। नेक्स्ट है हमारा मिशन इंद्रधनुष योजना। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष योजना क्या है। मिशन इंद्रधनुष और इसका थीम है, टैगलाइन है, सब अब और सशक्त। और एक बच्चा बना हुआ है जिसके हाथ में इंजेक्शन है, और वो क्या बोल रहा है, संपूर्ण टीकाकरण हर बच्चे का अधिकार, स्वस्थ जीवन का आधार। संपूर्ण टीकाकरण हर बच्चे का अधिकार, स्वस्थ जीवन का आधार। 5 साल में 7 बार बच्चों को क्या करना होगा, टीका लगवाना होगा, और छूटे ना टीका एक भी बार। इसी तरीके से ये 7 बार बताया हुआ है कि 5 साल में आपको बच्चे को 7 बार टीका लगवाना होगा, ठीक है। इस योजना का नाम है मिशन इंद्रधनुष योजना। चलिए, यह योजना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया था। एक क्वेश्चन भी बनता है कि 25 दिसंबर 2014 को किस रूप में मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला यह अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। मतलब कि सभी बच्चों का टीकाकरण हो जाना चाहिए। जैसे हमने देखा है ना, बहुत सारे बच्चों को पोलियो हो जाता है, वो बीमारियां हो जाती है क्योंकि बचपन में वो टीका नहीं लगवाते, तो वही सारे लक्ष्य को कम्प्लीट करने के पीछे ये मिशन इंद्रधनुष लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, कौन सी 7 बीमारियां हैं, क्योंकि इंद्रधनुष में हमारे 7 कलर्स होते हैं, बेजानी, हपी, नाला, या फिर विग्योर अगर इसको बोला जाए, तो उसी तरह 7 बीमारियां होती है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, जो काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें टीकाकरण किया जाता है। पहले पर्पस जो रखा जाता था वो पोलियो, टीबी, इनको रखा जाता था, अब सभी जो 7 बीमारियां हैं इन सभी को फोकस करके बच्चों को टीका किया जाता है, ओके, ताकि उनको आगे जाकर इस टाइप की बीमारी ना हो, ठीक है। अब बात की जाए पहल योजना की, ये भी सिलेंडर से ही रिलेटेड है। यह योजना 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू की गई थी। इसका उद्देश्य LPG सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में पहुँचाना है। आपने देखा होगा कि हमको जब भी गैस की टंकी बुक करनी होती है, तो या तो हम क्या करते हैं, मैसेज कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, गैस का जो नंबर होता है उस पर कॉल करके, और फटाफट से एक दबाए, इस तरह हम 2-3 बार एक नंबर का बटन दबाते हैं, हमारी गैस का सिलेंडर बुक हो जाता है। तो ये वही है कि पैसे आपको देना होंगे, बाकी जो बचता है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है वो बचता है, वो हमारे अकाउंट में साथ के साथ डाल दिया होता है, अगर हमने सब्सिडी के पैसे वो उस पर कैंसिल नहीं किया होता है। तो वही चीज़ है ये,
और यह योजना गिनीज वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। यह प्रधानमंत्री की सबसे प्रसिद्ध योजना है। प्रसिद्ध योजना क्यों है? क्योंकि इस योजना में अभी तक कोई भी करप्शन देखने को नहीं मिला, और जितने भी लोगों ने इसको मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसमें रजिस्टर कर रखा है, तो सभी लोगों को अपने अपने पैसे वापस अपने खाते में आ गए हैं, ठीक है, जिन्होंने सब्सिडी कैंसिल नहीं की थी। और जो बड़े लोग होते हैं, मतलब कि जिन्हें नहीं ज़रूरत होती है वापस सब्सिडी की, वो लोगों की सेवा में लग जाता है उनकी साइड का पैसा। जो ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया में जैसे लोगों को फ्री LPG कनेक्शन मिल रहे हैं, उनको गैस का चूल्हा फ्री मिलता है, ठीक है, फर्स्ट कनेक्शन जो लेते हैं वो फ्री होता है, तो उन लोगों को जो जा रहा है वो फंड वहाँ पर चला जाता है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर अपन भी अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर हम सब्सिडी ना लें तो हम भी अपनी सब्सिडी को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और गिनीज वर्ल्ड में इसीलिए आया था कि इतनी बड़ी योजना इतने बड़े लेवल पर और इतने छोटे छोटे गांव सब जगह ये योजना पहुंच चुकी है, और सभी लोगों को अपना पैसा साथ के साथ मिलता भी जा रहा है। बिल्कुल बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट योजना है, सब कुछ लोगों के सामने ही है कि कितना पैसा सरकार द्वारा दिया गया, कितना लोगों के पास आया, इसलिए इस योजना को गिनीज वर्ल्ड बुक जो होती है उसमें रिकॉर्ड किया गया है। इस योजना को DBLT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। पहल योजना को DBLT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, देख लीजिए इस तरीके का सिलेंडर, और ये पहल योजना का लोगो है। गेट योर मनी, सर्व पब्लिक मनी, ओके, और पहल न्यू डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG DBLT ये भी इस लोगों में लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको जब PDF देती हूँ तो एक बार आप उसको पहले रीड कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि आपको हमेशा ये चीज़ें याद रह जाएगी। ओके, अब देखते हैं हृदय योजना। हृदय योजना क्या है? इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को भारत के पुराने शहर गांव की, मतलब भारत के जो पुराने शहर गांव और जिनके विकास और वृद्धि के लिए लागू की गई है, ठीक है। पहले इसका आप डायग्राम देख लीजिए, मतलब फोटो देख सकते हैं। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये हृदय का फुल फॉर्म है। ओके, HRDAY, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। और इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, पीछे मंदिर वगैरह सब बने हुए, इस तरीके के लोग घूम रहे हैं, इट्स लाइक कोई फेयर चल रहा हो, मेला चल रहा हो, तो जो भी पुरानी, जो हमारे पुराने किले महल हैं उन सभी को वापस से जीर्णोद्धार करना, पुनरुत्थान करना, इस तरीके से बोल सकते हैं, तो वही हमारी हृदय योजना है। ये योजना को शहरी विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा आरम्भ किया गया है। इस योजना का लक्ष्य देश के कुछ चयनित 12 शहर जो है उनको वापस से जीवित करना है। जैसे कोई भी पुराने शहर हो गए जो काफ़ी खंडर हो चुके हैं, उनको वापस से जीवित करना है। इसमें 500 करोड़ रुपए का खर्च करने का बजट रखा। फिलहाल का बजट क्या है? 500 करोड़ रुपए खर्च करने का। ओके, और 21 जनवरी 2015 से ये चली आ रही है। और हृदय का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। चलिए, जैसे ये सेशन ओवर होता है तो आपको क्या करना है, हृदय का फुल फॉर्म वापस से लिख के देखना है कि आपको याद हुआ या नहीं। अमूर्त जो हमने देखा था, अमृत स्कीम, उसका देखना है, और जितने भी हमने देखे DBLT जो अभी निकला उसका देखना है, और दो तीन और हमने फुल फॉर्म देखे, तो उन सभी के फुल फॉर्म लिखकर देखिएगा कि आपको अच्छे से याद हुए या नहीं। ओके, और फिर PDF में देखकर चेक करिएगा। चलिए, तो अब देख लेते हैं उजाला योजना, ठीक है। उजाला योजना आप सभी को सभी परिचित होंगे आप इस योजना से, क्योंकि सभी को LED बल्ब दिया गया था। इस योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचत योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। उजाला का पूर्ण रूप है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, ठीक है। उन्नत ज्योति, J फॉर ज्योति हो जाएगा, अफोर्डेबल A, और LED L और फॉर ऑल, ठीक है, याद रखिएगा उजाला का फुल फॉर्म। अच्छा, इसमें एक चीज़ में और कंफ्यूज मत करना, उजाला चीज़ अलग होती है और उज्ज्वला अलग होती है, ठीक है। उज्ज्वला जो हमारे कनेक्शंस होते हैं उनके लिए होती है, और उजाला जो होती है LED के लिए होती है, ठीक है। इस तरीके का आप लोगो देख लीजिए, उजाला का ये लोगो है, और इसी के नीचे इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना है। जैसे कि हमारी जो बड़ी लाइट होती है उसमें कम से कम हम 4 से 5 LED लाइट जला सकते हैं, जिससे बिजली की खपत भी कम होगी, और जो हमारे कंट्री में जो बिजली उत्पादन की जो दिक्कत होती है उसे भी हम ओवरकम कर सकते हैं। ओके, चलिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देख लेते हैं। इसका आप इस पहले लोगो देख लीजिए, इस तरीके का कुछ होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और 9 मई 2015 इन कोलकाता, ठीक है। और इनकी डिटेल आप देख सकते हैं PDF में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से इसकी शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत बचत बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। जैसे कि कभी कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो हमको क्या 1 से 2 लाख रुपए तक का बीमा मिल सकता है और कुछ नहीं करना है, 1 साल में हमको सिर्फ 12 रुपए भरने होते हैं। ओके, और किसके लिए? 18 से 70 वर्ष तक की आयु के लिए। स्टैंड अप इंडिया देख लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों को साख उपलब्ध करवाना है। जो भी वो पैसा चाहती है बैंक के थ्रू उनको उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत नई कंपनियां स्थापित करने तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना सुनिश्चित किया गया, मतलब कि बिना ब्याज दर के आपको लोन दिया जाएगा। ओके, तो ये है हमारी स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया आप देख सकते हैं, स्टैंड अप इंडिया एंडोवर एंड प्रॉस्पर। ओके, अब देखते हैं ग्राम उदय से भारत उदय, इसका आप लोगों देख लीजिए। ये इस तरीके का भीमराव अंबेडकर जी हैं ये, जिन्होंने हमारे भारत के संविधान में बहुत मदद की थी। और ग्राम उदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल। ओके, अब मैं इसके बारे में सारी डिटेल आपको बता देती हूँ। अभियान की शुरुआत महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो 25वीं जयंती थी, 14 अप्रैल को उनका जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है जीके में कि भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 25वीं जयंती थी 2016 में, शुरुआत तब की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश में सही विकास के लिए गांवों के विकास पर बल दिया गया। ग्राम उदय मतलब कि गांवों का विकास होना, तो ग्राम उदय से भारत उदय तक। ओके, एक बार और आप अच्छे से लोगो देखकर इसको याद कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद भी बहुत सारी स्कीम्स बचती हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गई, बहुत सारी स्कीम बची है। तो वो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, उसमें नाम से ही, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी तो वो नाम से ही समझ आ रही थी, इसी तरीके से सारी योजनाएँ जो हैं आपको नाम से ही समझ आ जाएगी। और जिनके भी फुल फॉर्म होंगे हम साथ के साथ रीड भी कर लेंगे। ओके, तो आई होप कि आपका आज का जो ये सेशन था हमारा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। ओके, थैंक यू।